चलिए कुछ चैप्टर नंबर 10 में आ जाइए. सो दिस चैप्टर इज ऑन स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर. इसमें दो यूनिट है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम को दूसरा नाम हम लोग दे रखे प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस. ठीक है, तो अभी क्या होता है ना, लास्ट मोमेंट पे एक टिप दे रहे हैं कि बहुत बार होगा कि कुछ कुछ नया नया आपके सामने आ रहा होगा. आपको कोई बोलेगा ये नया है, वो नया है, ये किया बेटा, वो किया बेटा, तो आप बोलेगा अरे ये भी नहीं किया, वो भी नहीं किया, और आप घबरा जाओगे. तो हमेशा ध्यान रखो, अपनी कमजोरियों पे इम्प्रूवमेंट लाने में समय लगता है. वी टेक टाइम टू इम्प्रूव आवर वीकनेसेस, बट वी कैन ऑलवेज प्ले विथ आवर स्ट्रेंथ्स. सो एग्जाम डेज आर द मोमेंट फॉर प्लेइंग विथ योर स्ट्रेंथ्स. सो फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स रादर देन व्हाट यू हैव नॉट डन. तो फर्स्ट इज एक्टिविटी कॉस्ट मैनेजमेंट. इसमें क्या है ना, ट्रेडिशनल वर्सेज मॉडर्न बिजनेस इन्वायरमेंट के जो कंपैरेटिव फीचर्स होते हैं ये आपको याद रखना चाहिए. जो आपको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट जहाँ अप्लाई करना है उसके बारे में आइडिया दे देता है. जैसे ट्रेडिशनली अगर हमारी कंपनी में सिंगल प्रोडक्ट बनते थे तो नया ज़माना हो गया मल्टीपल प्रोडक्ट का. ट्रेडिशनली हम लोग नैरो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में डील करते थे, वाइड रेंज में डील करते हैं. ट्रेडिशनली मैकेनिकल काम नहीं होता, मैनुअल काम होता था. अब मैकेनिकल यानी कि ऑटोमेटेड काम होने लगा है. ट्रेडिशनली हम लोग कॉम्पिटिशन उतना फेस नहीं करते, अब फियर्स कॉम्पिटिशन हो गया. ट्रेडिशनली उतना आपको इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ का वो नहीं था रिक्वायरमेंट, अब बहुत ज़्यादा होने लग गया. ट्रेडिशनली डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट का रेशियो 100:22 चलता था, अब हो गया 100:800. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट का रेशियो पहले चलता था 3:1, अब हो गया है 3:8 एंड समटाइम्स मोर देन दैट. सो कीपिंग दिस चेंजेस इन माइंड इन द बिजनेस एनवायरमेंट, वी फील दैट देर इज अ नीड टू हैव अ न्यू कॉस्टिंग टेक्निक विच कैन केटर टू द नीड ऑफ दिस मार्केट सिनेरियो. तो अगर हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अभी भी फॉलो करते हैं तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को वॉल्यूम बेस्ड टेक्निक बोलते हैं. उसका दो डिसएडवांटेज है कि पहला, जो प्रोडक्ट हाई वॉल्यूम में बनता है वो क्या है, आपका सेम इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा वॉल्यूम बना दे रहा है. अगर सेम इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर ज़्यादा वॉल्यूम बना दे रहा है तो इसका मतलब वो प्रोडक्ट आपका रिसोर्स कम यूज़ कर रहा है. बट वॉल्यूम बेस्ड कॉस्टिंग है ना ट्रेडिशनल कॉस्टिंग या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ट्रेडिशनल कॉस्टिंग है, तो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वॉल्यूम बेस्ड कॉस्टिंग है. तो जितना ज़्यादा वॉल्यूम बनेगा किसी भी प्रोडक्ट का उसका कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगा. सिमिलरली अगर एक लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आपका क्या कहते हैं वॉल्यूम कम बन रहा है किसी प्रोडक्ट का, इंफ्रास्ट्रक्चर वही है, वॉल्यूम कम बन रहा है, तो कॉस्ट पर यूनिट हाई हो जाएगा. कॉस्ट पर यूनिट हाई हो जाएगा इसलिए जिसका वॉल्यूम कम होना चाहिए उसका कॉस्ट पर यूनिट हाई होना चाहिए, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर तो उतना ही है. बट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या करेगा, सिंस उसका वॉल्यूम कम है तो उसका कॉस्ट कम कर देगा. गजब है ना. आपको एक रियल एग्जांपल बनाते हैं, जैसे रोल्स रॉयस कार्स है और कुछ प्रीमियम लग्जरियस चीज़ है, जैसे टीवीज है, टेलीविजन, 75 इंच का टेलीविजन, 85 इंच का टेलीविजन, और रोल्स रॉयस कार और भी कुछ प्रीमियम जैसे मर्सिडीज़ का एस क्लास, ये सब क्या है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़े हैं इनके, ठीक है, बनाने के लिए फैसिलिटीज़, बट इनके वॉल्यूम बहुत कम बनते हैं तो इसलिए कॉस्ट पर यूनिट इनका बट नेचुरली हाई हो जाता है. और बाकी जैसे होंडा सिटीज़ है और ये मारुति की जो गाड़ियाँ हैं, मारुति ऑल्टो, ये i10 वगैरह, तो ये सब क्या वॉल्यूम में बनते हैं, तो इस सबका इंफ्रास्ट्रक्चर मैसिव है बट वॉल्यूम भी बहुत हाई है तो उसका कॉस्ट पर यूनिट कम होता है. तो ये वॉल्यूम हाई है तो कॉस्ट पर यूनिट लो होना चाहिए ना. वॉल्यूम हाई है तो वॉल्यूम बेस्ड कॉस्टिंग क्या करेगा, हाई कॉस्ट डाल देगा. दैट्स अ डिसएडवांटेज. तो इसलिए एक्यूरेसी इन कॉस्टिंग के लिए हम लोग को एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में जाना पड़ता है. अब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का कॉस्ट स्टेटमेंट कैसे बनता है वो इंटर में आप लोग पढ़े हैं. कॉस्ट शीट बनाना, मटीरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, सॉरी मटीरियल, लेबर, फिर ओवरहेड्स, ठीक है, और ओवरहेड्स डिपार्टमेंट वाइज आ जाएगा. तो डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड्स लेने के लिए आप ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इनटू एक्चुअल बेसिस करेंगे. एब्जॉर्प्शन रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, बजट ओवरहेड बाय बजट बेसिस करेंगे. बजट बेसिस आपका 6 प्रकार का हो सकता है. बजट बेसिस आपका 6 प्रकार का हो सकता है. वन इज लेबर आवर्स, सेकंड इज मशीन आवर्स, थर्ड इज क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, फोर्थ इज डायरेक्ट लेबर कॉस्ट परसेंटेज, फिफ्थ इज डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट परसेंटेज, सिक्स्थ इज प्राइम कॉस्ट परसेंटेज. सो इसका भी मैंने बताया हुआ कि कौन सा कब यूज़ करना चाहिए. लेबर आवर्स जहाँ पर मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनते हैं बट मैनुअल एफर्ट से काम होता है, मशीन आवर्स जहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट बनते हैं बट ऑटोमेटेड एफर्ट से काम होता है, क्वांटिटी प्रोड्यूस जहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट बनता है, लेबर कॉस्ट परसेंटेज जहाँ पर मल्टीपल वर्कर्स काम करते हैं अर्निंग सेम रेट ऑफ पे, मटीरियल कॉस्ट परसेंटेज जहाँ पे ओवरहेड मटीरियल से डोमिनेटेड है, मटीरियल का कॉस्ट के कारण ओवरहेड कॉस्ट बढ़ रहा है,
प्राइम कॉज यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनता है, और एक लास्ट में हो गया, सारे ही तो बोल दिया मैंने। तो ये छः बेसिस है आपका, ठीक है। अब रेट कैन बी ब्रैंकेट रेट और डिपार्टमेंटल रेट, आपको याद होगा अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग रेट निकालते हो। तो डिपार्टमेंटल और ब्लैंकेट मतलब दोनों डिपार्टमेंट का ओवरहेड को जोड़ दो और दोनों डिपार्टमेंट का बेसिस को जोड़ दो, तो टोटल पे टोटल करने से ब्लैंकेट ओवरहेड रेट आता है। प्रोडक्ट कॉस्ट स्टेटमेंट और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जाएंगे, तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का स्टेप्स कहता है कि आपको पहले अपना आइडेंटिफाई कर लेना है एक्टिविटीज़ क्या है, उस एक्टिविटीज़ का एक्टिविटी ओ एक्टिविटीज़ बेसिकली क्या है, वो जो ओवरहेड्स का पार्ट है ना, ये ओवरहेड्स का पार्ट को ही फर्दर रिवैम्प किया जा रहा है, ठीक है। ओवरहेड्स के पार्ट को फर्दर रिवैम्प किया जा रहा है कि इंस्टेड ऑफ गोइंग डिपार्टमेंट वाइज यू शुड गो एक्टिविटी वाइज। तो एक्टिविटीज़ पहले आइडेंटिफाई करना है, उसका कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना है एक्टिविटी वाइज कॉस्ट, जिसको अपने नाम दे रखे कॉस्ट पूल, फिर उस एक्टिविटी को वेरी करने के लिए, उस एक्टिविटी कॉस्ट को बढ़ाने घटाने के लिए एक बेसिस होता है जिसका नाम है कॉस्ट ड्राइवर। तो वो कॉस्ट ड्राइवर आपका क्या है जो उस एक्टिविटी के कॉस्ट को बढ़ा सकता है या घटा सकता है, वो पता करना है। दैट इज कॉस्ट ड्राइवर वॉल्यूम, एंड देन यू हैव द रेट। कॉस्ट पूल बाय कॉस्ट ड्राइवर इज इक्वल टू रेट। उस रेट से फिर प्रोडक्ट कॉस्ट निकाला जाएगा। प्रोडक्ट कॉस्ट के लिए देखना पड़ेगा कि कॉस्ट ड्राइवर का कितना वॉल्यूम कंज्यूम हो रहा है, विच इज कॉल्ड एज एक्चुअल बेसिस। तो रेट इंटू एक्चुअल बेसिस करके एक्टिविटी वाइज कॉस्ट आएगा, ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अज्यूम करता है कि नॉर्मली बहुत सारे कॉस्ट लार्जली फिक्स्ड है विद रिस्पेक्ट टू सेल्स वॉल्यूम, बट दे आर नॉट फिक्स्ड टू अदर अप्रोप्रिएट कॉस्ट ड्राइवर्स। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ये मानता है कि सारे ओवरहेड्स फिक्स नेचर के हैं और उसको एक पर्टिकुलर वॉल्यूम से आप रिलेट कर सकते हो, ज़्यादा वॉल्यूम होगा तो ज़्यादा कॉस्ट होगा। तो वो लोग ज़बरदस्ती ओवरहेड सारे फिक्स नेचर के, बट उसको वॉल्यूम से लिंक करके बोलते हैं जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतना ज़्यादा कॉस्ट। हालांकि रियलिटी में ये नहीं होता है, इसलिए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का काउंटर करने के लिए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बना। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बोलता है कि वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में सारे कॉस्ट वेरी नहीं करते, ये सच्चाई है, लेकिन कॉस्ट वेरी करते हैं, बट उनका कॉस्ट ड्राइवर्स अलग अलग हो सकता है। तो ये लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए है, इसका डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। स्टेप्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि आपको एक्टिविटी चाहिए, पूल चाहिए, ड्राइवर चाहिए, रेट चाहिए, और उसके हिसाब से ओवरहेड कॉस्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ में आप एकदम नीचे से ऊपर जाओ, यूनिट लेवल, बैच लेवल, प्रोडक्ट लेवल और एक फैसिलिटी लेवल। यूनिट मतलब जितना यूनिट बनाओगे उसके हिसाब से लगेगा, ज़्यादा यूनिट मतलब ज़्यादा लग जाएगा। बैच लेवल का मतलब है कि जितना आप बैचेस बनाओगे, यूनिट से नहीं मतलब है, नंबर ऑफ बैचेस बढ़ेगा तो कॉस्ट बढ़ जाएगा। जैसे इंस्पेक्शन कॉस्ट पर बैच, जैसे सेटअप कॉस्ट पर बैच, ये सब कॉस्ट जो होता है वो बैच लेवल के होते हैं। फिर प्रोडक्ट लेवल, जितना ज़्यादा प्रोडक्ट आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करोगे उतना कॉस्ट बढ़ जाएगा, जैसे प्रोडक्ट स्पेसिफिक डिज़ाइन कॉस्ट या ब्रांडिंग कॉस्ट। फिर फैसिलिटी लेवल मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है, जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे उसके हिसाब से कॉस्ट लग पड़ेगा। टाइप्स ऑफ कॉस्ट ड्राइवर में ये पहले भी आपको ट्रेडिशनल वर्सेस स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट में बताया हूँ। एक होता है रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर, एक होता है एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर, एक होता है स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर, और एक होता है आपका एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर। सो रिसोर्स और एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर में फ़र्क क्या है? ओवरहेड कॉस्ट को जब एक्टिविटीज़ में डालते हैं तो रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर के थ्रू एक्टिविटीज़ में अपोर्शन किया जाता है, और एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है? जब एक्टिविटी का कॉस्ट प्रोडक्ट में डालते हैं तो एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर के बेस में यूज़ किया जाता है। जैसे आप लोग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से सीखे हैं इंटर में ओवरहेड्स में, जैसे रेंट को एरिया के बेस में बांटते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को किलोवाट आवर्स के रेशियो में बांटते हैं, तो वो क्या है? रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर है। रिसोर्स मतलब जो मेन रिसोर्स आप बाजार से प्रोक्योर करके लाते हो, उसका कॉस्ट को अगर आप अपने अंदर में एक्टिविटी में बांट रहे हो तो कैसे बांटोगे? एक्टिविटी का कॉस्ट जब आप प्रोडक्ट में डालते हो तो उसका ड्राइवर्स अलग अलग हो जाता है। जैसे कि इन नंबर ऑफ, अलग डिपेंड करता है एक्टिविटी के ऊपर, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन हो सकता है या फिर मशीन आवर्स हो सकता है, अलग अलग एक्टिविटी पे अलग अलग ड्राइवर होते हैं, तो आपको पता ही है, राइट। इसका कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हमने दिया हुआ है। ऑर्डरिंग एंड रिसीविंग मटेरियल कॉस्ट है, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ये एग्जांपल के लिए जस्ट अगर आपको रिकॉल करना है कि हाँ क्या क्या हो सकता है। सेटिंग अप मशीन कॉस्ट है तो नंबर ऑफ सेटअप, मशीनिंग कॉस्ट है तो मशीन आवर्स, असेंबलिंग कॉस्ट है तो नंबर ऑफ पार्ट्स या लेबर आवर्स, इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग कॉस्ट है नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, पैकेजिंग कॉस्ट है नंबर ऑफ कंटेनर, डिस्पैच कॉस्ट है तो नंबर ऑफ डिलीवरीज, लाइक दिस। स्ट्रक्चरल और एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर में फ़र्क क्या होता है? स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर वो ड्राइवर होते हैं जो आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर के कारण पैदा हो जाता है, जो परमानेंट हो जाता है, जो इजीली बदला नहीं जा सकता। स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट मतलब प्लांट लेआउट पे डिपेंड करता है, टाइप्स ऑफ मशीनरीज जो आपने खरीद लिया उसके ऊपर डिपेंड करता है, ओवरऑल सेटअप जैसा कर लिया उसके ऊपर है। और एग्जीक्यूशनल इज ऑन द योर स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, मीन्स आप क्या चीज़ पे फोकस्ड हो, क्या क्वालिटी कॉन्शियस हो आप
मटेरियल मूवमेंट के ऊपर आप कैसे ध्यान दे रहे हो, तो जो आप चेंज कर सकते हो अपने वे ऑफ वर्किंग से उसको बोलते हैं एग्जीक्यूशनल ड्राइवर। एम्प्लॉय एफिशिएंसी के ऊपर जुड़ा हुआ है, प्रोडक्ट डिज़ाइन के ऊपर जुड़ा हुआ है, जो आपके कंट्रोल में, जो टाइमली आप चेंज भी कर सकते हो। बट स्ट्रक्चरल में क्या होता है, प्लांट कंस्ट्रक्शन के हिसाब से आ गया, मल्टीपल प्रोडक्ट पे डील करें तो अब मल्टीपल प्रोडक्ट कंपनी हो आप तो वो इतना जल्दी से चेंज नहीं हो सकता, इसलिए उससे रिलेटेड जो कॉस्ट ड्राइवर होगा वो आपका स्ट्रक्चरल ड्राइवर है, विच इज़ डिफाइंड थ्रू स्केल, स्कोप, टेक्नोलॉजी, कॉम्प्लेक्सिटी। बट एग्जीक्यूशनल इज मोर डिपेंडेंट ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयज, प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन के समय आपका आता है। फिर मेरिट्स ऑफ ABC ये सब लर्न करने बोला गया है, तो मैंने आपको पहले ही बोला लर्न करने का जितना सामान अगर लर्न है तो वेरी गुड, अगर नहीं लर्न किया हुआ है तो यू गॉट टू लर्न इट एंड यू हैव टू मार्क इट अगेन फॉर सेकेंड रिविजन। मतलब जो नेक्स्ट डे आपको सुबह उठ के पढ़ना है उसको पेज फोल्ड करते रहना है, इंडेक्स मारते रहना है, जिसका निमोनिक्स है निमोनिक्स बना लेना, नहीं है तो उसका एक अलग से वो बनाना है। मेरिट्स ऑफ ABC, तो ABC आने से एक्यूरेसी इन कॉस्टिंग बढ़ जाता है, ABC आने से आपका आप वैल्यू एनालिसिस कर पाओगे, मतलब नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी को हटा पाओगे, ABC आने से आप कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी निकाल पाओगे, प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी निकाल पाओगे, ABC आने से आपको प्राइसिंग थोड़ा सा और बेटर करने मिलेगा, ठीक है। तो ABC फैसिलिटेट्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ड्राइव्स ओवरहेड कॉस्ट, इट्स कंसर्न्ड विद ओवरहेड कॉस्ट, ऑल ओवरहेड कॉस्ट, नॉट जस्ट द फैक्ट्री ओवरहेड, इट प्रोवाइड्स एक्यूरेट एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इट प्रोवाइड्स कॉस्ट डेटा विच मे बी यूज टू इवेल्युएट डिफरेंट वेज ऑफ डिलीवरिंग बिजनेस, तो आपको कैसे बिजनेस को आगे डिलीवर करना है, कस्टमर को कैसे सर्व करना है वो पता चल जाएगा। डायरेक्ट प्रोडक्ट कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी, इट हेल्प्स यू टू डिसाइड प्रोमोट करो किसी प्रोडक्ट को भी डिसकंटिन्यू करो, जो प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी से पता चलता है। प्राइसिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट, इट आल्सो आइडेंटिफाइज अपॉर्चुनिटीज ऑफ कॉस्ट रिडक्शन थ्रू वैल्यू एनालिसिस, ठीक है। क्रिटिसिज्म क्या है कि भाई डिफिकल्टी इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज, कॉस्ट पूल, कॉस्ट ड्राइवर्स, फिर इट कैन बी टाइम कंज्यूमिंग, इट कैन बी कॉम्प्लेक्स, इट रिक्वायर्स हैवी इन्वेस्टमेंट, इट इज़ नॉट फॉर शॉर्ट टर्म डिसीजन, इट इज़ नॉट फॉर दोज कंपनीज विच आर हैविंग सिंगल प्रोडक्ट। Sometimes one particular cost can be linked with multiple cost drivers. So management must have a purpose of using extra information provided by ABC. Otherwise, it will prove to be very costly. Is activity-based costing a variable or relevant cost? The answer is it is not a variable cost like traditional variable cost that varies directly with production volume, though cost driver may influence the total cost of an activity. Variable cost means those which vary with volume. So it is not the cost that vary with volume. Is it a relevant cost? The answer is relevant costs are those which are avoidable. But in ABC we are also analyzing costs which are not avoidable. So it's not relevant cost. Question may ask you to compare traditional and activity cost of a product. In order to compare, comment on increase or decrease of your cost along with reference of some cost drivers impacting such increase or decrease. Okay? तो आपको कंपेयर करने बोलेगा तो इंक्रीज़ हो रहा है कि डिक्रीज़ हो रहा है ये बताओगे, उसके अलावा ये भी बताओगे किस कारण से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहा है, किस पर्टिकुलर कॉस्ट ड्राइवर के कारण। फिर अगर आपको बोले ABC कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए सजेशन दो, तो आपको सजेशन देना होगा एक एक कॉस्ट ड्राइवर को में जाके कि अगर इस कॉस्ट एक्टिविटी कॉस्ट का ये कॉस्ट ड्राइवर का वॉल्यूम को कम कर दें तो कॉस्ट कम हो सकता है। एप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में वो ऑलरेडी मैंने ऊपर में आपको बता दिया था, ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न से वहीं से आ रहा है, नॉट फॉर सिंगल प्रोडक्ट, नॉट फॉर लेबर इंटेंसिव, ये एक चीज़ है ध्यान रख लेना कि अगर आपके कॉस्ट में सारा डिप्रिसिएशन ही घुसा हुआ है तो ओवरहेड कॉस्ट में डिप्रिसिएशन ज़्यादा होने के कारण उसमें क्या एनालिसिस कर लोगे, बचा हुआ जो कॉस्ट है उसको एक्टिविटी में क्या ही तोड़ लोगे, तो उतना वर्दी नहीं है। नॉट फॉर स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, जहाँ पे एक ही तरह का प्रोडक्ट बार बार बन रहा है वहाँ पे ABC का दरकार नहीं है, तो ABC कहाँ पे दरकार है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन हो रहा है। नेक्स्ट आता है एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग, ABB एक ऐसा तरीका है बस जिसमें आप हर एक्टिविटी वाइज अपने कॉस्ट को एस्टिमेट करते हो, फिर एक्चुअल से कंपेयर करते हो, फिर वेरियंस निकाल कर देखते हो कि कैसे करेक्शन करा जा सकता है और क्यों गड़बड़ हुआ। इससे क्या फ़ायदा होता है कि आपको पता चलता है कि कौन सा पर्टिकुलर क्या काम करना है, मतलब क्या पता चलता है कि क्या काम करना है, व्हाट टू डू, जो जिससे आप जस्टिफाई करते हो कि कौन सा एक्टिविटी वाकई में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सेकेंड है कितना करना है, हाउ मच टू डू, कितना करना है और उसका कॉस्ट, ये सब आप पता कर लेते हो एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग से। एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग फॉलो जीरो बेस्ड बजटिंग, ठीक है, ये जीरो बेस्ड बजटिंग फॉलो करता है, ABB फॉलो जीरो बेस्ड बजटिंग यहाँ पे लिखा हुआ है।
जीरो बेस बजटिंग यही है एक्चुअली। तो जीरो बेस बजटिंग और एक्टिविटी बेस बजटिंग में कोई फर्क ही नहीं है, मतलब यहाँ पर कभी भी ये कंटिन्यू नहीं माना लिया जाएगा कि इस पीरियड में इतना कॉस्ट था तो अगला पीरियड में उतना ही कॉस्ट होगा। हर बार आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा कि इस पीरियड में इतना कॉस्ट का क्या दरकार है। ये थ्री की एलिमेंट्स अगर आप याद रख ले तो बहुत अच्छा है। इसका बेनिफिट्स क्या है कि आपको पता चल जाता है कि कब हमें कौन सा रिसोर्स चाहिए सब। इसमें क्या होता है फिर यहाँ पे जीरो बेस बजटिंग में और एक्टिविटी बेस बजटिंग में एक ही चीज़ है दोनों, उसमें स्टाफ रोल्स भी डिफाइन कर देते हैं कि कौन किस एक्टिविटी के लिए जिम्मेदार है, उसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है। और फिर कल को बजटरी स्लैक एक कॉन्सेप्ट है जो बजटरी कंट्रोल में आप पढ़ते हैं कि आपने अगर कोई एक्स्ट्रा बजट पास करा लिया है जिसका ज़रूरत नहीं है, जो ट्रेडिशनल में हो ही जाता था, तो वो चीज़ रुक सकता है। लिमिटेशन क्या है कि सम इम्प्रूवमेंट्स दैट मे कम फ्रॉम इरेगुलर फ्लक्चुएशन इन ऑपरेटिंग प्रोसेस सप्लायर नेटवर्क एंड कस्टमर इंटरेक्शन आर नॉट हाईलाइटेड और इम्पोज। बेसिकली दीज आर ऑल नॉन फाइनेंशियल स्टफ्स। नॉन फाइनेंशियल स्टफ्स लाइक इरेगुलर फ्लक्चुएशन इन ऑपरेटिंग प्रोसेस सप्लायर्स नेटवर्क कस्टमर इंटरेक्शन, ये सब के ऊपर एबीबी उतना ध्यान नहीं देता है। एक ऐसी पॉइंट लिखा हुआ है COGS बेस्ड बजटिंग। अगर आप COGS को यूज़ करके अपना बजट निकाल रहे हो, मतलब बेसिकली उसमें ट्रेडिशनल सिस्टम फॉलो कर रहे हो, अज्यूम सिमिलैरिटी इन यूज़ ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट अक्रॉस प्रोडक्ट लाइंस। क्योंकि क्या होगा अगर मैं ओवरहेड को एज अ परसेंट ऑफ COGS समझ लो चार्ज कर रहा हूँ, तो उससे क्या होगा, मतलब कुछ ऐसे ओवरहेड्स हैं जो COGS के बाद आने वाले, तब समझना। सब मान लीजिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो COGS के बेसिस पे चार्ज कर रहा हूँ, तो वो क्या होता है इस ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के हिसाब से जाओगे तो एक कांस्टेंट रेट आ जाएगा जो सब में इक्वल रेट से चार्ज कर देगा। तो यही बोल रहे हैं कि COGS बेस्ड बजटिंग अज्यूम सिमिलैरिटी इन यूज ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट अक्रॉस प्रोडक्ट लाइंस, हाउएवर हर प्रोडक्ट का अपना अपना ओवरहेड हो सकता है जो ABC ट्रैक करके डालता है। नेक्स्ट आ रहा है एक्टिविटी, इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 हमारे DJB बुक में 612 बोल के आपको इंस्टीट्यूट मैट में भी बोल जाएगा, इज एन इंडियन जापानीज करके ऐसा करके कुछ क्वेश्चन है, या इसे मैट का क्वेश्चन है, आप उसको देख सकते हैं। उसका खाली कमेंट पार्ट को देख लीजिए, कैलकुलेशन पार्ट तो बहुत इजी है। नेक्स्ट आता है एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट। एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट में इट इम्प्लाइज दैट द यूज ऑफ ABC एज अ कॉस्टिंग टूल टू मैनेज कॉस्ट एट एक्टिविटी लेवल। It implies the use of ABC as a costing tool to manage costs at activity level. क्या ये activity based management, it implies the use of ABC as costing tool to manage costs at activity level. It implies the use of ABC as a costing tool. ये ABC को use करता है costing tool की तरह, and then to manage the cost at activity level. फिर cost को manage करने में help करता है। एक होता है operational ABM, दूसरा होता है strategic ABM. operational ABM is डूइंग थिंग्स राइट, मतलब यू हैव टू आइडेंटिफाई कि क्या चीज़ आपके यहाँ नॉन वैल्यूएडिंग हो रहा है उसको हटाना। स्ट्रेटजी के भी हमें डूइंग राइट थिंग्स, मतलब ऐसे ही प्रोडक्ट बनाओ जो आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल लगे। प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है स्ट्रेटजी के ABM, तो कौन सा प्रोडक्ट को बंद कर दें, नया प्रोडक्ट कौन सा चालू करें। और ऑपरेशनल ABM इज जो प्रोडक्ट चल रहा है उसको और बेहतर तरीके से प्रोड्यूस करो, नॉन वैल्यू काम को हटा दो। फिर आता है बेनिफिट्स ऑफ ABM, ये आपको लर्न करने इसके पॉइंट्स, क्योंकि कोई भी केस स्टडी में ये सब पॉइंट्स लिखना पड़ सकता है। तो प्रॉपर प्राइसिंग, कॉस्ट रिडक्शन अपॉर्चुनिटीज़, परफॉर्मेंस इवेल्यूशन, ये सब की पॉइंट्स है। परफॉर्मेंस इवेल्यूशन, प्राइसिंग, कॉस्ट रिडक्शन, वैल्यू एनालिसिस बोलते हैं, वैल्यू एडिंग नॉन वैल्यू एडिंग में क्लासीफाई करना, डिजाइन डिसीजंस, कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, बेंचमार्किंग, इसमें से कितना पॉइंट आपको याद रह पाता आप उसको देखो। ये सब जो वापस दिखने का चीज़ होगा उसको फट से मार्क करोगे और दोबारा देखोगे इसके पॉइंट्स मेरे को याद रहे। बेनिफिट्स ऑफ ABM में प्राइसिंग, कॉस्ट रिडक्शन, वैल्यू एनालिसिस, डिजाइन डिसीजंस, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। लिमिटेशन क्या है, डज नॉट कंसिडर नॉन फाइनेंशियल वैल्यू ऑफ कॉस्ट, जो ऊपर में ABB का भी लिमिटेशन था, ठीक है, समाउ इट वॉज सेम एज ABB। डिफरेंस बिटवीन ABC एंड ABM, ABC और ABM का डिफरेंस क्या है कि ABC इज अ कॉस्टिंग टूल, ABM इज अ मैनेजमेंट टूल। तो ABC का रिपोर्ट यूज़ करके ABM में काम होता है। ABC सप्लाइज द इन्फॉर्मेशन, वेर एज ABM यूजेज द इन्फॉर्मेशन वेरियस एनालिसिस टू यील्ड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, ठीक है। ABM जस्ट एक टेक्निक है टू डिस्ट्रीब्यूट कॉस्ट। ABM इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट दैट फोकसेस ऑन मैनेजमेंट एंड रैशनलाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज टू इम्प्रूव वैल्यू रिसीव्ड बाय कस्टमर्स। इंप्लीमेंटेशन ऑफ ABM के लिए क्या तरीका है, आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट इशूज एंड इन्फॉर्मेशन टू एड्रेस दोज, क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन नीड्स टू बी सपोर्टेड बाई टॉप मैनेजमेंट, इनकॉर्पोरेट ABC मेथड्स इन एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और डेवलप अ सेपरेट सिस्टम।
एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम टू सपोर्ट इनपुट रिक्वायरमेंट इम्प्लीमेंटेशन टीम स्टार्ट एट हाई लेवल फर्स्ट. ये उतना कोई मेरे हिसाब से ज़रूरी नहीं है. आई विल रिकमेंड कि आप ये तीन तो पढ़ लेना सी डी ई. और ये ऑपरेशनल और स्ट्रेटेजिक तो आपको याद ही होगा. और मेन है ये डिफरेंस और लिमिटेशन और बेनिफिट्स. इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको किस लिए एबीएम इम्प्लीमेंट करना है, एबीसी या एबीएम इम्प्लीमेंट करने का पहले एक स्ट्रॉन्ग पर्पस होना चाहिए, जो ऊपर में ही बताया था. और वो पर्पस पहले आइडेंटिफाई करिए किस लिए आपको ये करना है. अगर ये नहीं करोगे तो फिर झूठ मूठ का बहुत इन्वेस्टमेंट हो जाएगा. फिर आपको उसका क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन चाहिए कि क्या मतलब डीप कारण है, प्रॉब्लम कहाँ पे है. डीप क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन मतलब जो बहुत हाई लेवल इन्फॉर्मेशन है वो टॉप मैनेजमेंट के साथ मिलकर आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा. उसके बाद एबीसी मेथड्स होना चाहिए, उसके बिना तो एबीएम होगा ही नहीं. उस एबीसी बिना एबीएम होगा नहीं, तो एबीसी होना चाहिए. उसके बाद वहाँ से उस एबीसी के लिए भी जो इनपुट डिटेल चाहिए उसका भी इन्फॉर्मेशन सिस्टम होना चाहिए. एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम टू सपोर्ट इनपुट रिक्वायरमेंट अगर नहीं है तो वो सब डिटेल्स सेटअप करने का आपको जुगाड़ बैठाना पड़ेगा. टीम होना चाहिए और एक हाई लेवल से स्टार्ट करना चाहिए. इसके ऊपर एक क्वेश्चन है हम लोग का, एक पियानो वाला आपको याद हो, मेलोडी इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ यू नो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाला, याद है पियानो और कीबोर्ड वाला क्वेश्चन आई से मैट का, वो इसी के ऊपर है. फिर आ रहा है एबीसी इन एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट. एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट क्या होता है, जो हाईली ऑटोमेटेड बिजनेस हाउसेज हैं, फैक्ट्रीज हैं, वहाँ पर एबीसी आपको कैसे हेल्प कर सकता है. तो एबीसी सपोर्ट्स कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट बाय प्रोवाइडिंग इनसाइट्स इनटू एक्टिविटी परफॉर्मेंस बाय अटेंशन टू सोर्सेज ऑफ डिमांड फॉर एक्टिविटीज एंड बाय परमिटिंग टू क्रिएट अ बिहेवियरल इंसेंटिव टू इम्प्रूव वन और मोर आस्पेक्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्यूरेसी ऑफ कॉस्टिंग बेटर कॉस्ट बिहेवियर असेसमेंट. तो बेसिकली कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट में हेल्प करेगा. इनसाइट्स इनटू एक्टिविटी परफॉर्मेंस, जो आपका एबीएम का बेनिफिट्स है वही लिखना एक तरह से. इट प्रोवाइड्स रियलिस्टिक एंड एक्यूरेट कॉस्टिंग कंसिडरिंग नॉन यूनिट लेवल कॉस्ट और इट ऑल्सो ब्रिंग्स इन न्यू अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम कॉस्ट इंप्रूवमेंट. इट इज सेम एज बेनिफिट्स ऑफ एबीएम विच इज रिटन इन अ डिफरेंट लैंग्वेज. सो यू कैन जस्ट राइट सम की पॉइंट्स रिलेटेड टू दैट इफ इट कम्स, बट नॉट सो इम्पॉर्टेंट. देन प्रैक्टिकली आपके पास जो क्वेश्चन आते हैं, ब्रेक इवन एनालिसिस अंडर एबीसी इज वेरी पॉपुलर. ये सीवीपी एनालिसिस से कनेक्ट करके आप पढ़ सकते हैं, मैंने वहाँ पे भी आपको बताया था. यहाँ पर टोटल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू, एक होता है अनएनालाइज फिक्स कॉस्ट प्लस एनालाइज फिक्स कॉस्ट. एनालाइज फिक्स कॉस्ट मतलब जो एक्टिविटी वाइज कॉस्ट है, और अनएनालाइज मतलब जो मान लीजिए टोटल कॉस्ट को हम लोग ब्रेक किया था, कुछ एक्टिविटी में ब्रेक नहीं हो पाए, तो दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाएगा. डिवाइड बाई कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट करोगे ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा. If unanalyzed fixed cost mainly consists of depreciation, further analysis under ABC is not recommended because there will be no such savings due to ABC. Ultimately, ABC में तोड़ने का मतलब ये होता है कि आप उस activity का cost को फिर future में study कर करके कम करोगे. तो अगर depreciation ही है तो फिर further और analysis करके होना ही क्या, activity cost कुछ निकलना ही नहीं है. Activity based costing का उल्टा implementation cost लग जाने का. फिर वेरियंस एनालिसिस अंडर एबीसी में ना, इट्स जस्ट लाइक वेरिएबल ओवरहेड वेरियंस. ध्यान रखना एक्टिविटी वाइज कॉस्ट जनरली फिक्स कॉस्ट को तोड़ रहा होता है एक्टिविटीज में, बट अंडर वेरियंस एनालिसिस कॉन्सेप्ट इट इज अज्यूम्ड एज वेरिएबल ओवरहेड. एंड वेरिएबल ओवरहेड का जैसे वेरियंस निकालते हैं वैसे निकालते हैं. आप वेरियंस निकालने के लिए कॉस्ट कार्ड बनाते हैं, याद होगा आपको. स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट में क्वांटिटी रेट अमाउंट आप लिखते हैं ना. स्टैंड कॉस्ट और एक्चुअल आउटपुट में क्वांटिटी रेट अमाउंट और क्वांटिटी रेट अमाउंट आप लिखते हैं. सो उसके लिए ही स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल आउटपुट में क्वांटिटी रेट अमाउंट जो आप लिखते हैं उसके लिए आपको बता रहे हैं. क्वांटिटी की जगह आ जाएगा क्वांटिटी ऑफ ड्राइवर्स, रेट ऑफ पर यूनिट ऑफ ड्राइवर. फिर एक्चुअल में क्वांटिटी ऑफ ड्राइवर्स, रेट पर यूनिट ऑफ ड्राइवर और अमाउंट, राइट. तो स्टैंडर्ड ड्राइवर्स और एक्चुअल आउटपुट रेट पर यूनिट अमाउंट, फिर एक्चुअल ड्राइवर्स रेट पर यूनिट और अमाउंट, जस्ट लाइक दिस. So activity costs are treated like variable overhead costs varying with the cost drivers. So you can find the variance. Total variance is standard cost or actual output minus actual cost. Rate variance is equal to rate minus rate, standard rate minus actual rate into actual drivers. Then there is efficiency variance, which is standard driver minus actual driver into standard rate. Bas variable overhead variance ki tarah yaad rakho. Fir use of ABC as a decision making tool, ye jaane do, aise hi khalas kar do usko. इसके साथ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट का जितना ज्ञान था खत्म हुआ. ब्रेक इवन को लेके क्वेश्चन अपने पास कैटलिस्ट लिमिटेड बोलकर, और एक क्वेश्चन सीबीपी में था उस समय वो आपको बता दिया, या ऐसे मैट का क्वेश्चन है. सेकंड वेरिएबल वेरिएंस एनालिसिस को लेके दो क्वेश्चन अपने पास, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन नंबर 5.
ठीक है, ये मेरे को तो नहीं लगता, अगर आपका प्रैक्टिस किया हुआ है ना तो आपको कोई वैसा कुछ नहीं कि इसको दोबारा करना है। क्वेश्चन 3 इज एन एंड एस कंपनी लिमिटेड बोल के जो आईसीएमएट का है, और एक क्वेश्चन नंबर 5 है जो राजू इज अ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर करके है, राजू इज अ चीफ करके मई 19 का क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन है, ये वेरियंस एनालिसिस के ऊपर है, तो ये है इजिली मैनेजेबल है, मेरे को लगता नहीं कि उस पर इतना दिमाग लगाना है। ठीक है, खाली जो दिमाग लगाना है मेरे हिसाब से वो मेलोडी वाला क्वेश्चन को अगर आप देख लें तो काम बन जाएगा। एक बार आ जाओ आप देखो, ये कैटलिस्ट लिमिटेड वाला क्वेश्चन है, आपको याद है, करंट सिचुएशन और प्रपोज चेंज को लेकर बात हो रहा है, तो टोटल फिक्स कॉस्ट अगर आप देखोगे 96,000 है, 72,100 रिमेन्स टू बी अनएनालाइज बोल रहा है, रिमेन्स टू बी एनालाइज मतलब अनएनालाइज्ड है, और बाकी का आपका जो फिक्स कॉस्ट है वो कितना होगा, वो सेटअप का कॉस्ट है, कॉस्ट पर सेटअप, सेटअप का कॉस्ट है कॉस्ट पर सेटअप, और नंबर ऑफ सेटअप्स आपको निकालना पड़ेगा, प्रेजेंट नंबर ऑफ सेटअप पर प्रोडक्शन पीरियड इज 42, ठीक है, और फिर इंजीनियरिंग आवर्स फॉर प्रोडक्शन पीरियड है 500, तो 500 इंटू 10 करने से यहाँ पर इसका कॉस्ट आ जाएगा, 450 इंटू 42 करने से इसका कॉस्ट आ जाएगा, यूनिट्स पर रन 960 है अगर, तो नंबर ऑफ रन हम चाहे तो नंबर ऑफ यूनिट्स हम निकाल सकते हैं अभी, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर 960 इंटू 42 करके टोटल मिल जा रहा है, टोटल यूनिट्स हम लोग कितना बना रहे हैं वो हमको पता चल जा रहा है, 40,320, और सेकेंड केस में भी यूनिट्स चेंज नहीं हो रहा है, जस्ट दैट प्रोडक्शन यूनिट्स पर रन चेंज हो रहा है 1,008, तो 4320 डिवाइड बाई 1,008 करने से आपका नंबर ऑफ सेटअप्स हो जाएगा 40, तो रिवाइज्ड में आपका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का मेन एडवांटेज क्या है ना, कि आप एक्टिविटी कॉस्ट वगैरह को या उसके ड्राइवर को फ्यूचर में कम करके कॉस्ट सेविंग कर सकते हो, ये 40 × 1,008 करोगे, 40 × 1,008 और 422 × यहाँ पे 10 ही रहेगा, तो ये दो आपका नया कॉस्ट बन जाएगा, और कॉस्ट पर सेटअप सॉरी 40 × 1,008 नहीं करना है, 40 × यहाँ पे ये 360 करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 40 × 360 और 422 × 10, तो इससे रिवाइज फिक्स कॉस्ट आ जाएगा, प्लस जो अनएनालाइज है वो एज इट इज रहेगा, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करोगे ब्रेक इवन आएगा, आप देखो यहाँ पर 72,100 प्लस 360 × 40 सेटअप्स प्लस 10 × 422 जो मैंने यहाँ पे बताया डिवाइड बाई कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो ये नया ब्रेक इवन आ गया, ठीक है, और ब्रेक इवन का नंबर ऑफ रन पूछा है तो डिवाइड बाई नंबर ऑफ यूनिट्स पर रन बता देंगे, तो नेक्स्ट चीज़ है कि कंटिन्यू टू ब्रेक अप रिमेनिंग फिक्स कॉस्ट इंटू एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट वाई, तो पॉइंट इज यहाँ पे ये बोला है सिंगल प्रोडक्ट कंपनी है, तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट का उतना बेनिफिट फर्दर नहीं मिलता है सिंगल प्रोडक्ट कंपनी में, तो इसमें कैसे कमेंट लिखा हुआ आप इस कमेंट को एक बार जरूर पढ़ लेंगे, या बेसिक का एडवांटेज है कि वो एक्यूरेसी बढ़ाता है, और यहाँ पर आपको इफ ब्रेकअप ऑफ रिमेनिंग 72,100 कंसिस्ट ऑफ ओनली स्मॉल पोर्शन ऑफ दिस कॉस्ट एबीसी ने नॉट बी अप्लाइड, अब और फर्दर ब्रेक करके आपको और क्या मिलने वाला है, कुछ और एक्टिविटीज मिलने वाला है तो अलग बात है, नहीं मिलने वाला है तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है, बट अभी तक तो सेविंग्स मिला है तो जस्टिफाइड हो सकता है, बट हाउएवर सिंगल प्रोडक्ट में उतना कोई बेनिफिट और एक्यूरेसी का फायदा नहीं होता है, तो 3 पार्ट में आंसर लिखा हुआ है, मेरा राय में खाली आप ये वाला चीज पे नजर डालोगे, हर कैलकुलेशन पे उतना ध्यान नहीं देना क्योंकि वो सब आपका किया हुआ है, एक बार बस प्रोसेस देखने से याद आ जाएगा, बट कमेंट पे ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि वो किया हुआ भी है तो याद नहीं है, फिर ये एबीबी वाला क्वेश्चन है 6-12 वाला, इसमें कैलकुलेशन इज वेरी सिंपल, टोटल बजट कॉस्ट फॉर एक्टिविटी इन जनवरी 18, तो आपका बजटेड रेट दिया हुआ है और ड्राइवर यूज दिया हुआ, मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा, बट मेन चीज है ये एडवांटेजेस दैट 6-12 माइट गेन बाय यूजिंग एबीबी अप्रोच ओवर से एन अप्रोच दैट एलोकेट्स द कॉस्ट ऑफ दिस एक्टिविटीज एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो आपको बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के हिसाब से करें और एबीबी से करें तो उसमें फर्क क्या है, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के हिसाब से करने के लिए एक रेट चाहिएगा आपको, बट पॉइंट इज आपको यहाँ पर सेकेंड पार्ट में कहीं ये नहीं बोला है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का रेट क्या होगा, तो बस ये थ्योरी की तरह आपको आंसर करना है कि एबीबी यूज करने का मेरे को क्या बेनिफिट मिल सकता है, बेटर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्स नीड्स, क्लियर लिंकिंग ऑफ कॉस्ट विद स्टाफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बजटरी स्लैक,
इसमें क्या है, बेनिफिट्स ऑफ एबीबी आपने लिख दिया, ठीक है, एबीबी के बारे में आपने बताया। तो ये मेरे हिसाब से खाली याद रखने का चीज़ है, अगर आपको ध्यान है तो बहुत अच्छी बात है। फिर ये प्रैक्टिकल है, और ये बेनिफिट्स ऑफ अडॉप्टिंग अ काइज़न बजटिंग अप्रोच, व्हाट आर द लिमिटेशंस। काइज़न बजटिंग अप्रोच में क्या हो रहा है कि हम लोग हर बार यहाँ पर कॉस्ट को थोड़ा सा, रेट को 0.996 टाइम्स पे लेके आ रहे हैं, तो स्मॉल इम्प्रूवमेंट करें। तो काइज़न का बेनिफिट आपको बताना है और उसका लिमिटेशन बताना है। तो काइज़न से हम लोगों का कॉस्ट रिडक्शन हो ही रहा है, बट लिमिटेशन क्या है कि ये प्रेशर डाल देता है लोगों के ऊपर, ठीक है। ये बेनिफिट है बेसिकली, ये बेनिफिट की तरह बताया हुआ है। लिमिटेशन यहाँ पे बताया हुआ है कि समटाइम्स कॉस्ट इम्प्रूवमेंट्स अराइज फ्रॉम इरेगुलर फ्लक्चुएशंस, सप्लायर नेटवर्क और कस्टमर इंटरेक्शन। जो एबीबी का लिमिटेशन बताया था वही चीज़ है। कंपनीज नीड टू हाईलाइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ सीकिंग दिस इम्प्रूवमेंट एज वेल एज विद माइनर इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट्स। एक्सेसिव प्रेशर ऑफ कॉस्ट रिडक्शन कैन कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी एज वेल। दो पॉइंट आपको बताना है काइज़न का लिमिटेशन में, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला आपका वेरियंस वाला क्वेश्चन है, तो इसमें डायरेक्ट बस इसको यूज़ नहीं करना है। दिस इज़ फॉर 2000 यूनिट्स, तो एक्चुअल आपका 2100 के लिए क्या होगा, आप कॉस्ट ड्राइवर बना के अपना कर सकते हैं। तो इसके लिए मेरा क्या प्रोसेस है ना, अगर आपको याद हो, इसे छोटा सा एक दो वर्किंग करने से समझ में आता है। 20 इज़ फॉर 2000 टू 2100 के लिए होगा 21, रेट होगा आपका ओवरहेड 4000 बाई 20 करने से आ रहा है 200, तो 200 इंटू 21 करके आ रहा है 4200, एक्चुअल में है 19 और यहाँ पे 3900, तो 3900 बाई 19 करके यहाँ पे रेट आ रहा है 205.26। बस आप इससे अपना वर्किंग कर लो, इनका प्रोसेस पे फॉर्मूला देखने के अच्छा जो मैं आपको बताया आप उससे कर लो ना। समझ गए क्या? चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको एक्टिविटी वाइज कॉस्ट को बांटना है, इनकम स्टेटमेंट निकालना है। डज द इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस फॉर द टू डिविजन्स एक्यूरेटली मेजर परफॉर्मेंस और प्रिपेयर डिविजनल इनकम स्टेटमेंट यूजिंग एक्टिविटी बेसिस प्रोवाइडेड अबव। तो यहाँ पे बोलना है पहला में नो, क्यों नहीं, उसका रीजन बताना है कि क्योंकि कुछ कॉस्ट जो अलग अलग होने चाहिए वो सब आपका इक्वली डिवाइड हो गया है। तो यहाँ पे ये बोलना है रिजर्वेशन डिपार्टमेंट किसको सर्व कर रहा है, और फिर आपका ट्रेनिंग कॉस्ट को लेके बताना है, इसमें ज़्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए, बस वो लॉजिक देना, और फिर इनकम स्टेटमेंट उसके हिसाब से आपको अपना अलग अलग एक्टिविटीज़ का अलग अलग ड्राइवर लेकर इनकम बना देना है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। फिर ये वाला आपका वापस वेरियंस एनालिसिस का क्वेश्चन है, जिसको आप हो सके अगर तो, इसमें तीन एक्टिविटीज़ हैं, अगर आपको कॉपी में हो सके, वैसे मैंने यहाँ पे अपने स्टाइल में ही किया हुआ है, ठीक है, तो कॉपी में अगर देखना हो तो अपने कॉपी में भी देख सकते हो, बट अपने स्टाइल में जैसे हम लोग क्लास में करते हैं आप देखो वैसे ही मैंने कर दिया है, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल आउटपुट और एक्चुअल कॉस्ट। तो उसमें ये ड्राइवर्स एक का खाली देख लो कि ये कहाँ से आ रहा है, अगर ये क्लिक करे तो बाकी रिसीवेबल के बाद पेएबल और ट्रैवल में सेम तरीके से हो रहा है। अगर ये क्लिक कर रहा है आपको समझ आना, ये सम भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट ये मेलोडी वाला क्वेश्चन है, ये थ्योरी का क्वेश्चन है पूरा, इसमें वो एक पियानो और कीबोर्ड को लेकर आंसर कैसे लिखना है, थोड़ा सा इसका यूनिक स्टाइल था लिखने का। डिफरेंस इन ट्रीटमेंट ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड अंडर अब्सॉर्प्शन एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, यहाँ पर कैसे केस स्टडी को यूज़ करते हुए लिखा हुआ है, इसका आंसर एक बार आपको देखना पड़ेगा। स्टेप्स तो ईजी है, ये वाला ईजी है, स्टेप्स तो ऑलरेडी आपको आता है। फिर हाउ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वुड बी सूटेबल फॉर पियानो एंड कीबोर्ड डिविजन, और फिर ये एडवाइस अबाउट एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट एंड वेज टू इम्प्रूव बिजनेस परफॉर्मेंस, ये भी इजी है, बट मेन मुझे लगता है पार्ट 1 और 3 थोड़ा सा इसका स्टाइल ऑफ राइटिंग यूनिक है, तो आपको एक बार नज़र से निकाल लेना चाहिए, ठीक है। पार्ट 4 में फिर भी क्या ना पॉइंट्स जो है कॉमन है ना, प्रोडक्ट प्राइसिंग एनालिसिस ऑफ एक्टिविटीज हो पाएगा, परफॉर्मेंस मेजरमेंट हो पाएगा, फिर भी ये पॉइंट्स रिलेटेबल है, स्टिल इसके अंदर का एक्सप्लेनेशन एक बार देखना बंद। तो आई वुड रिकमेंड जस्ट कि अगर देखना अपने से तो एक बार थोड़ा शांति से वो खाली वो रिसीविंग पेबल्स का एक बार ये देख लो, और सेकंड नंबर आप ही क्वेश्चन का अगर साइड नोट्स जो आपका लिखा हुआ उसको थोड़ा फोकस कर लो कि अगर इसके अंदर हमको लिखने का सेम क्वेश्चन मिल जाए तो मैं कैसे एलैबोरेट करूँगा। सेम आएगा कि नहीं आएगा वो पता नहीं है, बट अगर आ गया तो रिस्क नहीं ले सकते ना। तो इसमें मेरा रिकमेंडेशन है जस्ट डू क्वेश्चन नंबर 3
क्वेश्चन थ्री है क्या? ये कितना नंबर है? सिक्स। जस्ट क्वेश्चन फाइव का और सिक्स का आपको थोड़ा सा एक बार अपने से टाइम देके अभी कंटिन्यू करना है। चलो नेक्स्ट आ जाओ आप। यहाँ पे सेकंड यूनिट है इसका, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। ठीक है, इसमें तीन चीज पढ़ते हैं हम लोग, एक स्ट्रेटजिक प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, दूसरा पढ़ते हैं डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी और तीसरा पढ़ते हैं कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। तो पहला है स्ट्रेटजिक प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। स्ट्रेटजिक प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस एक्चुअली आपका दो टाइप का सम को कवर करता है। ये बोलता है लास्ट ईयर और करंट ईयर का प्रॉफिट का डिफरेंस को हम पहला टाइप में तीन पार्ट में तोड़ के देखेंगे, ग्रोथ इफेक्ट, प्राइस रिकवरी इफेक्ट, तीसरा प्रोडक्टिविटी इफेक्ट। ग्रोथ इफेक्ट, प्राइस रिकवरी इफेक्ट और प्रोडक्टिविटी इफेक्ट आपको हर एक फैक्टर, हर एक जो लाइन आइटम होता है इनकम स्टेटमेंट का उस पर देखना है। इसलिए सबसे पहले स्ट्रक्चर बोलता है कि सबसे पहले आप एक ऐसा फॉर्मेट जो यहाँ पे दिया हुआ वैसे बनाओ, इधर लिखो पर्टिकुलर्स पे लिखो करंट ईयर लास्ट ईयर प्रॉफिट, फिर लिखो ग्रोथ इफेक्ट, फिर लिखो प्राइस इफेक्ट, फिर लिखो प्रोडक्टिविटी, लिखो आप नेक्स्ट ईयर मतलब सॉरी करंट ईयर, ये लास्ट ईयर है तो करंट ईयर है। फिर सबसे पहला सेल्स आइटम, सेल्स का वैल्यू लास्ट ईयर में बैठा दो और करंट ईयर में बैठा दो, फिर वेरिएबल कॉस्ट में जो जो है उसको भी लास्ट ईयर करंट ईयर में बैठा दो, फिर फिक्स कॉस्ट में जो जो है उसको भी यहाँ पे और यहाँ पे बैठा दो, फिर प्रॉफिट आपका यहाँ पे और यहाँ पे बैठ जाएगा। ठीक है, नाउ सेल्स पे लेके चलते हैं। इफ यू टॉक अबाउट सेल्स, तो सेल्स का आपको लास्ट ईयर का वैल्यू को आपको लिख देना है, सेल्स का लास्ट ईयर का वैल्यू को आपको लिख देना है। क्या करना है? सेल्स का लास्ट ईयर का वैल्यू को आपको लिख, फिर करंट ईयर का भी लिख देना है। ऐसे करके आप पूरा इनकम स्टेटमेंट का कॉलम को पहले खत्म कर लीजिए, फिर ग्रोथ इफेक्ट पे आ जाइए। सेल्स का ग्रोथ इफेक्ट, सेल्स का ग्रोथ इफेक्ट मतलब होता है सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, व्हिच इज एओ माइनस बीओ इनटू स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। स्टैंडर्ड मतलब लास्ट ईयर, बीओ माने लास्ट ईयर का आउटपुट, एओ माइनस बीओ इनटू स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। आप नोट वन में फॉलो कर सकते हैं जो मैं बोल रहा हूँ। फिर होता है सेल्स का प्राइस इफेक्ट, सेल्स प्राइस इफेक्ट इज लाइक सेल्स प्राइस वेरियंस, विच इज एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एक्चुअल आउटपुट। प्राइस एक्चुअल मतलब करंट ईयर, स्टैंडर्ड मतलब लास्ट ईयर, इनटू एक्चुअल आउटपुट मतलब करंट ईयर। तो देखना सेल्स प्राइस वेरिएंस आपका नोट नंबर फोर में मैंने लिखा हुआ है, एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एओ। फिर नेक्स्ट आ जाओ वेरिएबल कॉस्ट में। वेरिएबल कॉस्ट में मटेरियल लेबर जो भी दिया हुआ है उसका ग्रोथ इफेक्ट, वो ग्रोथ इफेक्ट ही खलनायक होता है जिसपे मैंने पॉइंटर लगाया हुआ है। तो वो क्या होता है? इट इज बेसिकली अंडरस्टूड एज एक्स्ट्रा आउटपुट बनाने के कारण एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना आना चाहिए। तो दैट इज बीओ माइनस एओ, बीओ माइनस एओ, ध्यान रखना आउटपुट को कंपेयर करना है नॉट मटेरियल क्वांटिटी को। बीओ माइनस एओ, बीओ को आगे करना है क्योंकि एक्स्ट्रा आउटपुट से एक्स्ट्रा कॉस्ट लगता है तो वो एडवर्स होता है, इसलिए बीओ को आगे करना है। बीओ माइनस एओ इंटू स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, बीओ माइनस एओ इंटू स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट होता है। देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, बीओ माइनस एओ इंटू बजटेड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। इनपुट का रेट नहीं है यहाँ पे, मटेरियल क्वांटिटी को नहीं लेना है, आउटपुट को लेना है, बस इसलिए पॉइंटर लगाया हुआ है। फिर बाकी दो है जो प्राइस रिकवरी और प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी इफेक्ट सेल्स में नहीं होता, एग्जिस्ट नहीं करता, बट प्राइस इफेक्ट और प्रोडक्टिविटी इफेक्ट है एमपीवी और एमयूवी। एमपीवी कैसे आता है पता ही है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। नाउ दिस टाइम इनपुट क्वांटिटी के ऊपर है, मटेरियल का क्वांटिटी के ऊपर। फिर स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एओ माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ये सब क्या है, मटेरियल का क्वांटिटी से जुड़ के आएगा। ऐसे ही लेबर का भी सेम वर्किंग होगा, जस्ट ग्रोथ इफेक्ट में आउटपुट को लेकर चलना है ना कि मटेरियल इनपुट को लेकर। फिर फिक्स कॉस्ट की बात आएगी तो उसको मार्जिनल कॉस्टिंग अज्यूम करके, फिक्स कॉस्ट में वॉल्यूम का कोई असर नहीं है और सिर्फ प्राइस का असर आएगा, विच इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट एक्सपेंडिचर वेरियंस, विच इज बजटेड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। और फिक्स कॉस्ट में प्रोडक्टिविटी का भी कोई इफेक्ट नहीं है। ऐसा करके आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा, ग्रोथ का टोटल, प्राइस का टोटल, प्रोडक्टिविटी का टोटल लोगे तो लास्ट रो में सारा रिकॉन्सिलेशन हो जाएगा। तो ये होता है टाइप वन। टाइप टू में क्या होता है, ग्रोथ इफेक्ट को फर्दर हम लोग दो पार्ट में तोड़ देते हैं। एक पार्ट में तोड़ते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मार्केट साइज इफेक्ट, और दूसरा पार्ट होता है मार्केट शेयर इफेक्ट। अब कितना साइज का यूनिट्स है, कितना शेयर का यूनिट्स है। जैसे ग्रोथ में अगर बोल रहा है कि एओ माइनस बीओ करके सोचो 2000 यूनिट आ रहा है, तो 2000 यूनिट में कितना साइज के कारण है, कितना शेयर के कारण है, ये जो डिफरेंस है ये क्वेश्चन में बोला होगा। मान लीजिए 2000 में बोल दिया 600 साइज के कारण है और बाकी शेयर के कारण है। तो जो ग्रोथ इफेक्ट का वैल्यू आया है नोट थ्री में, इसको दो पार्ट में तोड़ा जाएगा, साइज के कारण है और शेयर के कारण अलग अलग किया जाएगा। फिर आपको टाइप टू में ये बोलता है कि आप बताओ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के कारण कितना आया, मार्केट साइज के कारण कितना आया और कॉस्ट लीडरशिप के कारण कितना आया। तो टाइप टू में आज के आप देखिए,
प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, मार्केट साइज और कॉस्ट लीडरशिप. कॉस्ट लीडरशिप मतलब प्रोडक्टिविटी वाला अमाउंट को कॉपी पेस्ट. मार्केट साइज का अमाउंट कैसा आएगा, जो ग्रोथ इफेक्ट का अमाउंट है उसको दो पार्ट में तोड़ेंगे, मार्केट साइज के लिए और शेयर के लिए. वो रेशियो क्वेश्चन में यूनिट्स का ब्रेकअप दिया होगा तो उससे होगा. तो जैसे मैंने यहाँ पे दिया हुआ आपको, देखो ग्रोथ इफेक्ट का जो भी अमाउंट आया उसको एक रेशियो में, यूनिट्स का रेशियो में तोड़ दिया जाएगा, तो साइज वाला अमाउंट आ जाएगा. मार्केट शेयर और प्राइस को एडजस्ट करने से प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का अमाउंट आता है. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में शेयर और प्राइस का अमाउंट एडजस्ट करके आता है. तो इससे बस उसी स्टेटमेंट का एक रीराइटिंग हो रहा है यूजिंग द लास्ट रो. लास्ट ईयर प्रॉफिट एज इट इज रहेगा, ग्रोथ इफेक्ट दो पार्ट में टूट गया है, साइज और शेयर, तो साइज वाला अलग हो गया, शेयर और प्राइस रिकवरी मिल के प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में चला गया. और प्रोडक्टिविटी वाला कोई कॉस्ट लीडरशिप भी बोलते हैं. इस तरह से आपका सेकेंड टाइप भी हो जाएगा. तो इसको लेके अपने पास सिर्फ एक ही क्वेश्चन है अपने डीजेबी बुक में, और वो भी उतना कोई ज़्यादा टेक्निकल नहीं है. आप उसको एक बार देख सकते हैं, अगर याद आ गया है किया हुआ तो ठीक है, नहीं तो एक बार नज़र निकाला जाने में कोई बुराई नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट डीपीपी को लेकर बात करना है. तो ये पहले थ्योरेटिकली भी आपको समझ में आना चाहिए. रिटेल सेक्टर में यूज़ होता है, जहाँ पर बहुत सारे वैराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं और बनाते के रखते हैं. और उसको रखने के लिए एक तो रिटेल स्टोर का कॉस्ट होता है, फिर रिटेल स्टोर का एक वेयर हाउस होता है, वहाँ पे कॉस्ट होता है, फिर वेयर हाउस से रिटेल स्टोर का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी होता है. तो उन सब कॉस्ट को हम लोग जनरली नज़रअंदाज कर देते हैं वाइल कैलकुलेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी फ्रॉम सच प्रोडक्ट. नॉर्मली प्रॉफिटेबिलिटी निकालने का हैबिट था हम लोग का, सेलिंग प्राइस माइनस परचेस प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिटेबिलिटी, यानी जीपी को प्रॉफिटेबिलिटी बोलते थे. तो डीपीपी कॉन्सेप्ट बोलता है कि उसके बाद भी जो उस प्रोडक्ट का स्टोर रिलेटेड कॉस्ट है, वो ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड कॉस्ट है वो, और वेयर हाउसिंग रिलेटेड कॉस्ट है वो, उसको चार्ज करिए जो प्रोडक्ट में डायरेक्टली ट्रेसेबल है, बट डायरेक्टली ट्रेसेबल है थ्रू सम कॉस्ट ड्राइवर्स, उसको चार्ज करके जो नेट प्रॉफिट आएगा वो प्रोडक्ट का प्रॉफिटेबिलिटी है, दैट इज कॉल्ड एज डीपीपी. डीपीपी का फायदा क्या है कि इट गिव्स यू बेटर कॉस्ट एनालिसिस, बेटर प्राइसिंग डिसीजन, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ स्टोर्स एंड वेयर हाउस स्पेस. एंड बेसिकली द मेन आइडिया ऑफ डीपीपी इज वेदर वी शुड कंटिन्यू विद अ प्रोडक्ट रेंज और नॉट. अननेसेसरी थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स रखे मतलब नहीं, जिससे कोई फायदा ही नहीं हो रहा है. ठीक है, सो दिस इज द आइडिया, दिस इज द प्रेजेंटेशन. डीपीपी स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया. इसमें बस ध्यान रखना कि एचओ कॉस्ट जो प्रोडक्ट में ट्रेस नहीं होता, जबरदस्ती आप एलोकेट कर दो वो मत डालना. ठीक है, जैसे ऑडिट फीस वगैरह कुछ दिया हुआ है तो वो सब मत डालना. फिर कुछ ध्यान रखना कि क्वेश्चन ने पर यूनिट का आंसर पूछा है कि परसेंटेज फॉर्म में पूछा है, इस चीज पे ध्यान रखना. तो इसके ऊपर अपने पास दो क्वेश्चन है विच आर वेरी इजी टू डू. अगेन जो मैंने बताया आपको, प्रैक्टिस किया हुआ होना चाहिए. अभी तो बैठ के कोई प्रैक्टिस करने का मतलब नहीं है. एक जिज्ञासा इंडिया वाला क्वेश्चन है, अगर आपको ध्यान से नाम से ध्यान आ गया होगा, बटर जेली आईसी कूल. और एक क्वेश्चन थ्री एक्स वाई जेड ऑर्नामेंटल बोल के, जिसमें वो टोटल रेशियो निकाल के काम करना होता है. टोटल रेशियो मतलब क्या होता है, पर यूनिट का कोई रेशियो दिया हुआ फिर इनटू यूनिट्स करके टोटल रेशियो आएगा. इसको तो जबरदस्ती डीपीपी का सेक्शन में इंस्टीट्यूट में डाला हुआ तो डाल दिया, बट ऐसे इसमें सेकंड क्वेश्चन में कोई डीपीपी का कोई इतना चीज है नहीं. जस्ट वो टोटल कॉस्ट को अपोर्शन करना है यूजिंग टोटल रेशियो. तो मैं जब अभी जाऊंगा उसमें एक बार फिर नजर से निकलवा दूंगा आपकी. नेक्स्ट है कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस. इस पूरे यूनिट में सबसे ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज है तो वो यही है, सीपीए. कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस में कैलकुलेशन वाइज कोई ज्यादा हाथी घोड़ा नहीं है. इट जस्ट दैट कि आपको कस्टमर वाइज कॉलम बनाना है, उसका सेलिंग प्राइस से सेल्स ले लेना है, उसका सेलिंग प्राइस में लेस ट्रेड डिस्काउंट होगा, सेल्स रिटर्न होगा, तो नेट सेल्स कर लेना है. फिर उसके बाद आपको उसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या परचेज कॉस्ट माइनस करना है, और उसके बाद जीपी जो आएगा उससे कस्टमर रिलेटेड कुछ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट होगा, जिसका कॉस्ट ड्राइवर क्वेश्चन में दिया होगा, वो माइनस करना है. ठीक है, तो आपका कस्टमर वाइज प्रॉफिटेबिलिटी आ जाएगा, कस्टमर वाइज प्रॉफिट अमाउंट में आएगा. फिर आप उसको परसेंट में भी चेंज करोगे. और कभी कभी होता है जैसे कस्टमर ग्रुप्स दिया हुआ है, जैसे ए बी एक ही ग्रुप को बिलोंग करता है, सी डी दूसरे ग्रुप को बिलोंग करता है, तो ए बी को जोड़कर टोटल भी निकाला जा सकता है, सी डी को जोड़कर टोटल निकाला जा सकता है. और फिर उस टोटल ग्रुप का कोई अलग से फिक्स कॉस्ट होगा, तो वो ग्रुप में टोटल से माइनस होकर ग्रुप का नेट प्रॉफिट निकलेगा. जैसे एक होलसेल ग्रुप है, एक रिटेल ग्रुप है, तो होलसेल कस्टमर जो है हमारे हैं दो, जो होलसेल बाय करते हैं, तो ए बी को जोड़ के उसका टोटल आ जाएगा, और फिर सी डी को जोड़ के उसका टोटल आ जाएगा, और वो टोटल को लेकर आप उसका फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे तो ग्रुप वाइज प्रॉफिट भी आ सकता है. ठीक है,
तो बेसिक आइडिया होता है कि हम लोग इस तरह से कस्टमर वाइज प्रॉफिट जान लें जिससे कि हमें पता चले कि कौन सा कस्टमर प्रॉफिट यील्डिंग है, कौन सा कस्टमर लॉस यील्डिंग है। प्रॉफिट यील्डिंग कस्टमर से हम लोग बातचीत करके उसको कंटिन्यू करेंगे, उसके लिए और ज़्यादा रिसोर्स एलोकेट करेंगे, और जो लॉस यील्डिंग है उसको री इंजीनियर करेंगे, नहीं तो एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, स्टेप्स क्या है? सबसे पहले कस्टमर बेस को स्प्लिट करो सेगमेंट में, फिर उसका एनुअल रेवेन्यू देखो, फिर उसका कॉस्ट देखो, फिर आइडेंटिफाई एंड रिटेन क्वालिटी कस्टमर्स एंड री इंजीनियर और एलिमिनेट अनप्रॉफिटेबल कस्टमर्स। उसका स्टेटमेंट मैंने दिया है, रेवेन्यू एट लिस्ट प्राइस लेस डिस्काउंट नेट रेवेन्यू, इसमें सेल्स रिटर्न भी आ सकता है और कैश डिस्काउंट भी अगर है तो वो भी माइनस करते हैं। जनरली ध्यान रखना, नॉर्मली कैश डिस्काउंट को माइनस करने का हैबिट नहीं होता अपने सब्जेक्ट में, बट कैश डिस्काउंट हो तो वो भी माइनस करते हैं। नेट रेवेन्यू लेस COGS क्रॉस मार्जिन लेस कस्टमर स्पेसिफिक एलोकेटेड कॉस्ट यूजिंग ABC, नेट मार्जिन पर यूनिट टोटल परसेंट ऑफ सेल्स, या ग्रुपिंग भी करा जा सकता है। ABC अप्रोच का फायदा ये होता है कि हाईलाइट्स की कहाँ कहाँ पे उनके साथ नेगोशिएशन करके कॉस्ट रिडक्शन वगैरह कर सकते हैं। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू कॉन्सेप्ट है जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आपको समझाया था, डाउनस्ट्रीम मैनेजमेंट में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश, नेट कैश फ्रॉम या नेट रेवेन्यू फ्रॉम योर कस्टमर्स। तो वो एक यूनिवर्सिटी वाला क्वेश्चन इसके ऊपर है अगर आपको ध्यान होगा, सिनेमा हॉल को लेके। फिर ये आपको याद करना है, लिस्ट ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन वेयर CPA इज सूटेबल, जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटलिटी, प्रोफेशनल सर्विसेज, लॉजिस्टिक एंड फ्रेट कंपनीज, या ऐसे जैसे कोई टॉपिक आए ना तो कोशिश करो कि आपको याद है कि नहीं। नीचे देखने से नहीं होगा, माइंड को दोहराना है। रिविजन जब करते हैं ना तो देखना है कि माइंड में है कि नहीं है, नहीं है तो फिर नीचे जाके देखा और पढ़ के याद कर लिया, और फिर भी बहुत ज़्यादा सुकून नहीं मिला तो एक बार फोल्ड कर लिया, फिर से एक बार देखेंगे। बेनिफिट्स ऑफ कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस में आइडेंटिफाई विच कस्टमर्स आर इरोडिंग ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी एंड विच कस्टमर्स आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इट, बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्टिव डायलॉग बिटवीन बायर एंड सेलर टू इम्प्रूव मार्जिन्स। हाउ टू एनालाइज कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी, स्टेप नंबर वन, आप चेक कस्टमर विथ हाइएस्ट रेवेन्यू। जब अब क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉमेंट्स में ये बात बहुत हेल्प करता है। कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करना बहुत आसान है, बट एनालिसिस हर समय जो आता है वो जान ले लेता है। तो उसके लिए मैंने ये स्पेशल नोट्स बनाया हुआ है, इसको एक बार आप अच्छे से और देखना। स्टेप वन, सबसे पहले कस्टमर कौन सा हाइएस्ट रेवेन्यू दे रहा और हाइएस्ट प्रॉफिट दे रहा उसको देखो, ठीक है। फिर चेक कस्टमर विथ लोवेस्ट प्रॉफिटेबिलिटी, जरूरत पड़े तो पेरेटो एनालिसिस करो, जिससे आपको पता चलेगा कौन सा कस्टमर मेरा टॉप 80% ऑफ प्रॉफिट मेरे को दे रहा है। तो जो टॉप 80% ऑफ कस्टमर है, जो हाईएस्ट प्रॉफिट आपको दे रहा है, उस पर ज़्यादा अटेंशन देना है, और जो लो प्रॉफिटेबिलिटी वाला कस्टमर है उसका एक एक कॉस्ट ड्राइवर में जाकर आपको सजेशन लिखना पड़ेगा कि हम उसके साथ क्या क्या कर सकते हैं। आइडेंटिफाई रीजंस फॉर लोवेस्ट प्रॉफिटेबिलिटी एंड सजेस्ट और टेक स्टेप्स टू इम्प्रूव। ये नहीं कि उसको सीधा कैंसिल, आपको लिखना पड़ेगा कि ये मेरा कस्टमर 80% वाला ब्रैकेट में आ रहा है तो हम इसको ज़्यादा अटेंशन देंगे, ज़्यादा रिसोर्स अलॉट करेंगे, बट बाकी ये जो कस्टमर्स है जो 20% वाले ब्रैकेट में आ रहा है तो उसका एक एक करके ये सब सजेशन दिया जा सकता है। जैसे अगर आपने उसके वहाँ पे देखा कि हायर रश ऑर्डर है, तो उसका हाई रश ऑर्डर है तो उसका जब एक्सप्लेनेशन लिखोगे उसमें ये सब पॉइंट्स आपको डालना पड़ेगा। कि सबसे पहले हम देखेंगे उसका, लिख सकता है कि इट कैन बी ड्यू टू, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ बट आपको लिखना पड़ेगा इट कैन बी ड्यू टू कस्टमर इज नॉट प्लान्ड, कस्टमर डज नॉट प्लान वेल इन एडवांस, दैट्स वाई इट इज प्लेसिंग मोर नंबर ऑफ रश ऑर्डर्स, और इट मे बी दैट इट इज ऑर्डरिंग इन शॉर्ट शॉर्ट क्वांटिटी, और द कस्टमर इज फॉलोइंग जस्ट इन टाइम सिस्टम। तो इंड्यूस कस्टमर टू बाय इन प्लान्ड वे एंड इम्पोज सेपरेट चार्जेस बियॉन्ड अ थ्रेश होल्ड इफ दे आर कंटिन्यूसली प्लेसिंग द लो क्वांटिटी ऑर्डर। हो सकता है वो पहले से जस्ट इन टाइम कस्टमर फॉलो कर रहा होगा, तो जस्ट इन टाइम सिस्टम में अगर आपको उसको डिलीवर करना है, अगर आप समझ के आओगे तो आप अपना परचेज प्राइस थोड़ा सा बढ़ा दो ना, आप रश ऑर्डर का कॉस्ट कवर कर लो उससे। फिर वैसे ही हायर नंबर ऑफ ऑर्डर्स और डिलीवरीज अगर आपको दिख रहा है उसके वहाँ पर, तो उसका रीजन आपको ऐसे अपने मन से लिखना पड़ेगा, इट माइट बी ड्यू टू दैट नंबर ऑफ ऑर्डर ज़्यादा क्यों हो रहा है, इट माइट बी ड्यू टू दैट JIT कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर इज देयर, देर इज लो क्वांटिटी पर ऑर्डर, कस्टमर इज नॉट प्लान्ड, इंड्यूस कस्टमर टू बाय इन प्लान्ड वे, इम्पोज सेपरेट चार्जेस बियॉन्ड द थ्रेशहोल्ड, इंक्रीज सेलिंग प्राइस, दोनों सेम ही है एक तरह से, ठीक है। हायर नंबर ऑफ विजिट्स हो रहा है तो कस्टमर नीड्स मोर हैंड होल्ड गाइडेंस, कस्टमर रिक्वायर मोर कस्टमाइजेशन, इसलिए वी हैव टू गो मेनी अ टाइम्स। तो सजेशन इज टू अंडरस्टैंड कस्टमर रिक्वायरमेंट्स इफेक्टिवली, इट यू हैव टू इम्प्रूव ऑपरेशंस, यू आर ऑपरेशंस नीड टू बी इम्प्रूव सो दैट इट डजेंट रिक्वायर टू मच ऑफ विजिट्स, एंड रीअसाइन रिसोर्सेज टू अदर प्रॉफिटेबल कस्टमर्स, वाई टू विजिट नॉन प्रॉफिटेबल कस्टमर्स अगेन एंड अगेन। हायर डिस्काउंट आप दे रहे हो, ठीक है, रेवेन्यू हाई है प्रॉफिट लो है तो हायर डिस्काउंट दे रहे होंगे, तो लार्ज वॉल्यूम वाला कस्टमर है, नेगोशिएट कर पा रहा है,
कस्टमर सेल्स टू सिस्टर कंसर्न, कस्टमर आपका फिर जो प्रोडक्ट है वो सिस्टर कंसर्न को सेल करता है जिससे आपको प्रॉफिट मिल जाता है, तो आपको उस समय रीनेगोशिएट करना चाहिए। कीप इन माइंड कि उससे रीनेगोशिएट करने से कहीं आपका वो कस्टमर गायब भी नहीं हो जाए और फिर आपका मार्केट शेयर लॉस नहीं हो जाए। फिर गिव मोर डिस्काउंट टू अनप्रॉफिटेबल कस्टमर, इससे क्या होगा उससे सेल्स बढ़ेगा और शुड नॉट इम्पैक्ट द कैपेसिटी टू केटर अदर एग्जिस्टिंग लार्ज कस्टमर, क्योंकि आप अगर नॉन प्रॉफिटेबल को ज़्यादा डिस्काउंट देंगे तो आपके पास वो कस्टमर ज़्यादा आ जाएंगे, तो फिर जो लार्ज कस्टमर जिससे आप प्रॉफिट कमाते हो उसकी कैपेसिटी अफेक्ट नहीं हो जाए। कॉमन कॉस्ट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, अगर आपने कोई एक कॉस्ट है जो यूनिफॉर्मली चार्ज किया हुआ है तो आप ट्रेडिशनल कॉस्टिंग यूज़ करेंगे, आपको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज़ करना चाहिए। मेरे राय में आप ये लर्न कर लीजिए, इससे क्या होगा कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस का कोई कॉमेंट वॉमेंट लिखना होगा ना तो आपके पास कुछ पॉइंट्स होगा, ठीक है। सो देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन ऑन दिस, क्वेश्चन 4 टू क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन मैं अभी मार्क कर दूंगा, आप उसका खाली कॉमेंट्स पढ़ लेंगे तो आपको ये टेबल भी याद आ जाएगा, ठीक है। तो चलो आप एक बार फटाफट आ जाओ, देख लो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 1 है, वो आपका यही वाला ग्रोथ प्राइस एंड प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ प्राइस एंड प्रोडक्टिविटी इफेक्ट है, बट इसमें पूछ रहा है ये सिंस पहला पार्ट टाइप 1 पूरा करके दिया हुआ है तो इसमें बोल रहा है साइज फैक्टर प्रोडक्टिविटी और डिफरेंशिएशन के हिसाब से बताओ, तो लास्ट रो जो यहाँ पे करके दिया हुआ है ना उसी को रीराइट करते हैं, तो ये ग्रोथ इफेक्ट को दो पार्ट में तोड़ा जाएगा। बस आप खाली क्वेश्चन पढ़ के पता कर लो कि कितना यूनिट साइज के कारण है, कितना यूनिट शेयर के कारण, अगर वो सही से पकड़ लिए तो आप कर लोगे। साइज वाला अलग से, शेयर और प्राइस रिकवरी को जोड़ेंगे तो वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बन जाएगा और ये आपका प्रोडक्टिविटी यानी कॉस्ट लीडरशिप यही वाला है, ठीक है, कॉस्ट लीडरशिप है, तो बस तीनों को रीराइट करना है, दैट्स इट। क्वेश्चन 1 ओवर। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने वो बोला ना जिज्ञासा इंडिया लिमिटेड में DPP वाला क्वेश्चन है, तो इसमें क्या है ना, देखिए ये हेड ऑफिस कॉस्ट को इग्नोर करना है और मेन चीज़ है इसमें वेयर हाउस कॉस्ट में भी, एक है रेफ्रिजरेशन रिलेटेड और एक है नॉन रेफ्रिजरेशन रिलेटेड, जो ये दो होगा। रिटेल स्टोर कॉस्ट में एक रेफ्रिजरेशन रिलेटेड है, एक नॉन रेफ्रिजरेशन रिलेटेड है, ये दोनों, और एक एवरेज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है जो एक रेफ्रिजरेटेड वैन है एक नॉर्मल वैन है, उसको अलग अलग करके आपको टोटल वॉल्यूम यहाँ पे रेफ्रिजरेटेड गुड्स और नॉन रेफ्रिजरेटेड गुड्स का दिया हुआ है, तो आपको अलग अलग करना पड़ेगा। वेयर हाउस रिलेटेड में आप देखिए एक जनरल कॉस्ट है और एक रेफ्रिजरेटेड गुड्स का कॉस्ट है, तो इससे आपका टोटल कॉस्ट आ रहा है, उसको फिर उस वॉल्यूम से डिवाइड करके एक रेट निकाल रहे हैं। सेम इस तरह से आपका रिटेल स्टोर में भी हो रहा है और सेम इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन में भी हो रहा है, नॉर्मल और रेफ्रिजरेटेड, उसमें वॉल्यूम ऑफ वैन को लेना पड़ेगा, तो उससे आपका यहाँ पर भी 64 होगा, 4900 बाई 64, ठीक है, यहाँ मीटर क्यूब छप गया है तो 64 होगा, तो इससे आपका रेट आएगा। तो ये रेट जो आ रहा है पर क्यूबिक मीटर आ रहा है, बट इसमें क्या है वेयर हाउस में उसका एक स्टोरेज पीरियड दिया हुआ है, जो एक ट्विस्ट है, टाइम इन वेयर हाउस और टाइम इन रिटेल स्टोर्स, अगर आपको ध्यान है इसका एडजस्टमेंट, तो वो मल्टीप्लाई करके आपको अपना वो मल्टीप्लाई करके यहाँ पर ये 1 मंथ 1.5 मंथ वो मल्टीप्लाई करके यहाँ पर कॉस्ट आपको पर क्यूबिक मीटर पर मंथ लेना है, ठीक है। ये एक यूनिक चीज़ था, बस यही ध्यान देना है, रिटेल में भी वही टाइम वाला चक्कर है बट ट्रांसपोर्टेशन में वैसा टाइम का चक्कर नहीं है, तो इसके हिसाब से सबका कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर फॉर द पीरियड दे विल बी देयर इन आवर रिटेल स्टोर और वेयर हाउस, उसको फिर आप यूनिट्स में कन्वर्ट करके अपना प्रॉफिटेबिलिटी निकालते हैं, ये इस सम का यूनिकनेस है। और सेकेंड नंबर क्वेश्चन में मैंने बोला ना DPP में कैटेगराइज किया हुआ है, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन जो XYZ ऑर्नामेंटल वाला, इसमें क्या है देखो, ये डायरेक्ट मटेरियल रिलेटेड ओवरहेड्स का मटेरियल रेशियो पर यूनिट दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर का लेबर ऑपरेशन पर यूनिट दिया हुआ है, तो इन तीनों को लेकर यूनिट्स से जब मल्टीप्लाई करेंगे, इनके यूनिट से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे जो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, तो टोटल रेशियो आएगा, उस टोटल रेशियो से ये मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट को तीन जगह बांटना है, तो यहाँ पे तीन जगह है, अदर प्रोडक्ट्स मतलब लोगों को लगता है टोटल है बट ये टोटल नहीं है, अदर प्रोडक्ट्स तीसरा जगह है, और फिर इसमें डिस्कस जो किया हुआ है इसको खाली आप ध्यान दीजिएगा, वेदर ABM शुड बी अडॉप्टेड इन कंपनीज लाइक XYZ, तो कमेंट पे आप ध्यान दे दीजिएगा, इसमें ऑपरेशनल ABM, स्ट्रेटजिक ABM के बारे में बोला है और रिस्क विथ ABM क्या है कि इम्प्लिसिट वैल्यू आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल वैल्यू एडेड टू द प्रोडक्ट, और ABM प्रोवाइड्स मैनेजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉस्ट टू मेक सर्टन डिसीजन एंड दैट बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल नॉट जस्ट देयर ओन एक्टिविटीज़,
ये खाली खाली आपको देख लेना है, और बाकी वर्किंग तो अगर आपका किया हुआ है तो आपको एकदम इजी लग रहा होगा कि जैसे मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए पहला केस में तो जस्ट डिवाइड किया हुआ है, और यहाँ पर आपको वेरिएबल ओवरहेड को लेकर, ये पार्ट वन है। फिर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में इन लोग कैसे किया उसको देखना, जो यूनिट्स है रिक्वायर्ड पर यूनिट है उससे टोटल वॉल्यूम लिया, इस टोटल वॉल्यूम फैक्टर से आप अपना कॉस्ट को फिर अपोर्शन कर रहे हो। ये बस आप देख लीजिएगा इस तरह से कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हम लोग कैसे कर रहे हैं, राइट। अगर आपका प्रैक्टिस किया हुआ है तो ये मेरे हिसाब से बहुत आसान है। नेक्स्ट आ रहा है अब 4 to 10, मैंने आपको जैसे बोला उस CPA का है, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। मैं बस एक दो जगह दे लेना, सेलिंग प्राइस में लेस डिस्काउंट करके सेलिंग प्राइस नेट आ रहा है, तो सेलिंग प्राइस नेट निकालते समय क्या क्या माइनस करते हैं वो ध्यान दे लीजिएगा एक बार। और एक क्वेश्चन खाली आप देख लीजिए जिसमें पूरा भर के कॉमेंट्स लिखा हुआ है, जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं आई थिंक, या फिर आप 9 देख सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन को देख सकते हैं। और एक कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू का एक क्वेश्चन और था, प्लस वन क्वेश्चन जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में मैंने आपको बताया था, आप उसको भी जाके एक बार वापस क्रॉस चेक कर लीजिए जिससे आपको रिलेट हो जाए। वो क्वेश्चन अभी हाल में एग्जाम में आया था, अगर आपने प्रैक्टिस किया हो तो ठीक है, तो वो क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। तो ये वाला तो बहुत आसान सा है, इसमें प्रोबेबिलिटी का मेन खेल है कि ये प्रोबेबिलिटी को कैसे आप यूज़ कर रहे हो। और क्वेश्चन 9 का आई विल रिकमेंड कि आप ये एक्सप्लेनेशन पूरा देख लीजिएगा एनालिसिस। 9 का छोटा सा है वैसे, थोड़ा और अच्छा वाला भी आप देख सकते हैं, जैसे कि आप थोड़ा बड़ा वाला एक बार एक ठो देख लेना चाहिए, इसका देख सकते हो फास्ट कुक का, इसी एक का जिसका डिटेल एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है ना, शायद 8 नंबर ज़्यादा बेटर रहेगा, 9 नंबर से बेटर 8 नंबर है। तो क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 8 का सिमिलर क्वेश्चन सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आपको मैंने बताया था, जो December 21 शायद एग्जाम में आया भी है, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू के ऊपर। उसको एक बार करना, उसको एक बार कैलकुलेटर में करना इसको, क्योंकि तो ये नया क्वेश्चन है अगर नहीं किया हुआ है तो, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू का। और आपको ये रिकमेंडेशन अच्छे से पढ़ लेना है क्वेश्चन नंबर 7 का, जो आपका November 18 एग्जाम में भी आया हुआ है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, वो ICAI जर्नल का है, अगर ये किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया हुआ है तो आप स्किप मार सकते हैं, कोई उतना इसमें ध्यान मत दीजिएगा। किया हुआ है तो साइड नोट्स को एक बार पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ सजेशन देना था बस कि बैंक को कैसे अपना बिजनेस को बढ़ाना चाहिए, ठीक है। अगर पढ़ा हुआ है तो ठीक है, नहीं पढ़ा हुआ है तो जाने दीजिए, पढ़ा हुआ है तो साइड नोट्स को देख लीजिए, इसमें बताया हुआ है कि कैसे बैंक अपना रिस्क को भी ध्यान रखेगा और किस तरह से अपना क्रॉस सेलिंग को करके अपना बिजनेस को बढ़ाएगा। क्रॉस सेलिंग मतलब जैसे स्टूडेंट लोन जिसको दिया उसको होम लोन बेचो, होम लोन जिसको दिया उसको कंज्यूमर लोन बेचो, ऐसा करके, बट एट द सेम टाइम वो अपना रिस्क को भी कवर करे, इस चीज़ को यहाँ पे बोला हुआ है, ठीक है। इसके साथ ये वाला चैप्टर मेरे तरफ से एक बार खत्म हुआ, आपके तरफ से तब खत्म होगा जब आप ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन को देख लेंगे एज वेल एज ए रिकमेंडेशन को देख लेंगे। ऑल राइट, चलिए जी, आप देखिए ये जो स्ट्रेटजी एनालिसिस ऑपरेटिंग इनकम चैप्टर आपने अभी मेरे साथ जो पूरा कंप्लीट किया, उसमें कॉन्सेप्ट है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी इंस्टीट्यूट मैट में दिया हुआ है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये बोलता है कि अपने कस्टमर का आप असेस करो कि कितना नेट बेनिफिट ओवर द ड्यूरेशन दैट द कस्टमर विल स्पेंड विथ यू आप निकाल सकते हो, उसका प्रेजेंट वैल्यू ले लो। तो हाल में एक क्वेश्चन आया जो मैं आपको लिखवा देना चाह रहा हूँ, जो हमारे किताब में नहीं दिया हुआ बट एक क्वेश्चन आया था उसमें उसके बारे में हुआ हुआ है डिस्कशन, जो आप कॉमन सेंस से लिख सकते हो, December 21 एग्जाम में आया था, वो है स्टेप्स टू कैलकुलेट CLV। तो ये क्या है ना, अलग से पढ़ा हुआ नहीं है बट आप कॉमन सेंस से बना सकते हो आंसर, और वो सही भी होगा, थोड़ा एक दो स्टेप आगे पीछे होगा बट सही हो सकता है। तो मैं फिर भी आपको ऑथराइज्ड आंसर बता दूं, ऑथेंटिकेट आंसर, सबसे पहले इंस्टीट्यूट की तरफ से जो आंसर है वो लिख लो आप, एसर्टेन द प्रॉफिट फ्रॉम ईच कस्टमर, प्रॉफिट्स फ्रॉम ईच कस्टमर।
सेकेंड नंबर लिखो आप ड्यूरेशन ऑफ रिलेशनशिप विद द कस्टमर, आपको असर्टेन करना है कितना समय तक वो आपके साथ है। थर्ड नंबर आपको असर्टेन करना है स्ट्रेंथ्स और लाइकलीहुड और फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपीट परचेजेस, मतलब वो आपसे नेक्स्ट टाइम जब आएगा तो क्या लेके जाएगा, कितना रुपए का लेके जाएगा। और फोर्थ नंबर आपको पता करना है डिस्काउंटिंग रेट या कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा। उसके बाद फिफ्थ नंबर स्टेप में आप कस्टमर का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट रेवेन्यू ओवर लाइफ निकालेंगे, जो हम लोग कॉन्सेप्ट में सीखा ही था यूनिवर्सिटी स्टूडेंट वाला सम्स के थ्रू। ऑलराइट, बट अभी ऐसा भी हो सकता है कि कभी आपको नेट रेवेन्यू निकालने के लिए प्रेजेंट वैल्यू का इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो नहीं है। ये स्टेप अपने आप भी बना सकते हैं, हमको प्रॉफिट जानना होगा, उस प्रॉफिट कितना साल तक आएगा वो जानना है, फिर पहला साल में प्रॉफिट आ रहा है बट दूसरा साल में उससे क्या मिलेगा, तीसरा में क्या मिलेगा वो अमाउंट जानना है ना, कितनी बार वो प्रॉफिट हम लोग को देने आएगा ये फ्रीक्वेंसी जाननी है। और फिर फ्रीक्वेंसी के बाद हम लोग को क्या करने का है, उसका डिस्काउंटिंग रेट लेके नेट प्रेजेंट वैल्यू लेने का है। दिसंबर 21 में जो सम भी आया था वो थोड़ा सा यूनिक था, एक बार उसको जरूर देखना। खाली आप ये नहीं कि बस स्टेप्स लिख लिया, उसमें उसी में ये पूछा था तो उसका सम्स भी यूनिक था, उस सबका सॉल्यूशन आपको पेपर रिव्यू वीडियोस में मिल जाएगा, आप उसको एक बार देखना जरूर। उसका एक पार्ट तो बहुत आसान है, सेकंड पार्ट में थोड़ा सा ट्विस्ट भी है, उसमें प्रेजेंट वैल्यू नहीं है बट कंसेप्ट उसमें माथा लगाने का है, मतलब आपका मिस्टेक होने का चांस है उसमें, इसलिए सॉल्यूशन देख के समझ में आ सकता है। बट एनीवे ये स्टेप्स मेन बताना था आपको, आई होप आपको समझ में आया हो। ऑलराइट।